हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली की रेसिपी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 1 किलो के करीब मछली लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मछली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ काली मिर्च डाल देंगे। और आज मम्मी मछली बना रही हैं डिफरेंट तरीके से, तो देखते हैं कि मम्मी मछली कैसे बनाती हैं। इसमें मम्मी ने डाल दिया है 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब इसमें मम्मी ने डाला है हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। अब हमें अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। मसाले अच्छे से मछली पर कोट हो जाने चाहिए। अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट इसे हम ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मछली रेस्ट करता है, तब तक चलिए मैं आपको मसाले बता देती हूँ। मछली का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 गांठ लहसुन के लिए हैं, और यहाँ 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है। 1 चम्मच के करीब हमने पीला वाला सरसों लिया है। अगर आपके पास पीला सरसों ना हो तो आप उसके जगह काला राई भी ले सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। 1/2 चम्मच के करीब हमने काली मिर्च ली है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। सारे मसालों को हम मिक्सी में डालकर हल्का सा पानी डालकर इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मछली को रखे हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अपना मछली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। अच्छा से उसे गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें अपना मछली डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इसको हम अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। सारे मछलियों को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर निकाल लिया है। तो चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, उसी तेल में हम 1/2 चम्मच के करीब पीला सरसों और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और हल्का सा इन्हें लाल होने देंगे। देखिए यहाँ हमारा मिर्चा और सरसों, यहाँ हमने जो मसाला तैयार कर कर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच से हल्का कम मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। तो सारे मसालों को इसमें ऐड कर देते हैं, और इसी टाइम पर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा, और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। और अब हमें इसे ढक्कन लगा कर बीच बीच में चलाते हुए मसाले को बहुत अच्छे से पका लेना है। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। मसाले को भूनने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मसाला आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मछली बनेगी। तो ये देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है, और ऑयल भी सेपरेट होने के बाद भी आपको इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक उबाल आने तक हम अपने ग्रेवी को पका लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई मछली को ऐड कर देंगे। हमने इसमें अपनी मछली ऐड कर दी है, और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर 10 मिनट के करीब पका लेना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 7 से 10 मिनट के करीब पका लिया है, और हमारी मछली बनकर बिल्कुल तैयार है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है। और एक बार मैं इसे चला कर भी आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है।
ये देखिए ग्रेवी हमने हल्का सा पतला ही रखा है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ग्रेवी इसकी और ज़्यादा थिक होती जाएगी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। मुझे इसे रोटी के साथ खाना है, चावल के साथ भी खाना है, तो मैंने इसे हल्का सा पतला रखा है। इसी तरीके का मुझे पसंद है, आप अपने हिसाब से, अगर ग्रेवी आपको हल्का सा ज़्यादा थिक पसंद है तो हल्का सा और थिक कर सकते हैं। इस पे हम कटा हुआ धनिया डाल लेंगे हल्का सा। ओहो, और ये हमारी मछली बनकर बिल्कुल तैयार है। ये हमारी मछली बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपी हमेशा मिलती रहेंगी। और फिर आपसे मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।